तो आप लोग ये बैनर देख के समझ गए होंगे कि सिस्टम में क्या इशू है। तो चलिए यही ही इशू जो है आज मैं आप लोगों को लाइव दूर करके दिखाने वाला हूँ। ये बहुत ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें ये ऐसा बीमारी या इशू आ जाता है, तो इसको दूर करने के लिए आप लोग वीडियो को गौर से देखिए। चलिए सबसे पहले मैं अपना सिस्टम जो है इसे ओपन कर लिया हूँ, ओपन हो चुका। इसके बाद आप लोगों को करना क्या है, इसको रिफ्रेश होने देते हैं। चलिए यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना होगा और आगे प्रोसेस बताते हैं। चलिए इसको एक दो बार हम तब तक रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ से आप लोग स्टार्ट पे है, यहाँ से आने के बाद कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद यहाँ आप लोग सिस्टम जो ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे विंडो अपडेट देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो 2 सेकंड ये टाइम लेगा। यहाँ देखने को यहाँ आप लोग देख सकते हैं विंडो अपडेट ऑलरेडी है, यानी कि इसमें नेट देख के अपडेट इनेबल किया हुआ है। तो हम इसी को बंद करना है कि इशू ना आए। तो चलिए इसको बैक करके आ जाते हैं, विंडो ऑटोमेटिक जो अपडेटिंग इसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ जब हम आएँगे तो जैसे इस पर हम जैसे देखें आप लोगों को मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे हम इस पर जो क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है यहाँ अपडेट का ऑप्शन दिखाएगा। यह आप लोग ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो दिया इस पर। तो यहाँ देखे लिखा है इंस्टॉलिंग अपडेट ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट, तो इसको हमें नेवर करना है। यहाँ से क्लिक करके इसको डिसेबल करके यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद फिर से आगे आप लोगों को करना क्या है, इसको सेव कर देते हैं। यहाँ फिर से आप लोग चेक कर सकते हैं कि नेवर है। चलिए आज अब जो है हम इसको देखते हैं फिर से रीस्टार्ट करके। इंस्टॉलिंग अपडेट है, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब सिस्टम को हम रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लेता है और कितना जल्दी रीस्टार्ट करके सिस्टम हमें दे देता है। तो चलिए सिस्टम को हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। चलिए रिस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि कितना जल्दी मुझे सिस्टम अब ओपन करके दे देता है। तो चलिए लॉन्ग ऑफ हो रहा है, तो यहाँ आप लोग सेटिंग डाउन हो गया शट डाउन, और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम अब ये ऑफ हो चुका है। अब रिस्टार्ट भी होना स्टार्ट हो चुका है, विंडो ओपन हो रहा है। तो यहाँ आप लोग लाइव देख सकते हैं, मैंने कि उसको कैमरा भी ऑफ नहीं किया, लाइव ही है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं विंडो आ चुका है, कॉन्फ़िगरेशन आता है या नहीं वो देखते हैं। चलिए हम फाइनली देखेंगे, अब नहीं आया है और ये हट चुका है, अब ये इशू जो है अब नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपके सिस्टम भी अगर इशू आ रहा है तो आप लोग आसानी से दूर कर सकते हैं। और यहाँ जो मेरा इंटरनेट है वो भी आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर मेरा काम कर रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग इसको दूर कर सकते थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जैसे हमें भी